उत्तराखंड में देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी के अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों में डेंगू के केस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग के साथ ही जिन इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं उन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक करी है। पूर्व में भी इसमें विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे, यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। अब तक 14,000 घरों में लार्वा की चेकिंग की गई है और इसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के नाम पर मरीजों का उत्पीड़न न करें, इसको लेकर प्रशासन नजर बनाए हुए है। आगामी दिनों से रोजाना लोगों को डेंगू की अपडेट भी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी।